फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर फर्स्ट पे थे। इससे पहले मैं और वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको इन नोट्स की पीडीएफ फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, एथिक्स कमिटी के बारे में और रोल क्या क्या होते हैं एथिक्स कमिटी के। तो कोड ऑफ एथिक्स, अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ गाइड ऑफ प्रिंसिपल डिजाइंड टू हेल्प प्रोफेशनल कंडक्ट बिजनेस ऑनेस्टली विद इंटीग्रिटी। मतलब एक कोड ऑफ एथिक्स हमें ये बताता है कि हमें अपने किस तरह से अपने बिजनेस को काम करना है ऑनेस्टली और इंटीग्रिटी के साथ अपने बिजनेस के अंदर काम करना है। अ कोड ऑफ एथिक्स डॉक्यूमेंट में आउटलाइन द मिशन एंड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हमें एक आउटलाइन देखने को मिलती है, मतलब मिशन और वैल्यूज बताता है वो हमें बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की, और वो किस तरह से हम प्रोफेशनल को काम करते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को किस तरह से चेक करते हैं, एथिकल प्रिंसिपल क्या क्या है हमारी बिजनेस के अंदर, तो वो सब हमें कोड ऑफ एथिक्स के अंदर देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड टू विच द प्रोफेशनल इज हेल्ड, अ कोड ऑफ एथिक्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज एथिकल कोड। मतलब कोड ऑफ एथिक्स को हम एक एथिकल कोड भी बोलते हैं। एथिक्स कमिटी बेस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंक्रीजिंगली कंसर्न विद द नीड टू एश्योर द एथिकल बिहेवियर ऑफ कंपनी एंड इट्स मैनेजर। अ बोर्ड सब कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसींग द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस एथिक्स एंड एथिकल कोड। मतलब इसके अंदर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कंपनी होती है, मतलब उसके अंदर एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हम एथिक्स कमिटी बनाते हैं, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कमिटी का होता है, और उसके अंदर हम एक सब कमिटी का बनाते हैं जो कि मतलब देखे हमारे ओवरसींग और इफेक्टिवनेस देखे बिजनेस एथिक्स को, और वो हमें एथिकल कोड बताए कि मतलब क्या क्या हमारे एथिकल कोड है हमारे बिजनेस के। द कमिटी एड्रेस एथिक्स मैटर एंड इज द एबल टू एस्टैब्लिश एन एथिकल कल्चर थ्रू आउट द कंपनी। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं एथिकल कल्चर को। कंपनी हैव डिफरेंट नेम फॉर एथिक्स कमिटी। कुछ कंपनीज के अंदर मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं इसे एथिक्स कमिटी को, जैसे कि हमारी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लायंस कमिटी, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस प्रिंसिपल कमिटी एट्सेट्रा। अब इसके क्या क्या रोल होते हैं, तो इसके हम रोल देखते हैं। फर्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऑल द वे अराउंड। मतलब जो कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उन सबको बिल्कुल ठीक करना, तो ये काम होता है कमिटी का। मेंबर ऑफ एन एथिक्स कमिटी ऑफन गेट इन्वॉल्व इन सेटिंग अप द इनिशियल गाइडलाइंस पॉलिसी फॉर बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो एक गाइडलाइंस बनाए जिससे कि सब लोग उसे फॉलो करें, पॉलिसी बनाए और जो कि बिहेवियर को डिफाइन करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। Oversee compliance to an company standard. Business thrive in an atmosphere of accountability when each department, manager and employee work with the best interest of the company. मतलब जो सारे employees हो company के, वो मतलब company के interest के अंदर काम करें और जिससे कि हम success देख सकें अपनी company की। कंडक्ट रिव्यू एंड डिलीवर डिसिप्लिन। मतलब वो कंडक्ट करे रिव्यूज को और डिलीवर करे डिसिप्लिन को। इट ऑफन लेफ्ट टू द एथिक्स कमिटी मेंबर टू डू आउट डिसिप्लिन व्हेन एन एम्प्लॉई वॉयलेट कंपनी एथिक्स रूल। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉई अगर वॉयलेट करता है कंपनी के एथिक्स रूल को, तो उसके खिलाफ कोई एक एक्शन ले, तो वो भी काम होता है हमारा एथिक्स कमिटी का। इसके अंदर वो लीगल रिक्वायरमेंट को देखती है और क्या क्या उस मैनेजर के खिलाफ या उस एम्प्लॉय के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेना है, तो वो सब हमें एथिक्स कमिटी के अंदर देखने को मिलता है। रिव्यू कंपनी एथिक्स पॉलिसी एंड रेकमेंड चेंजेस। मतलब इसके अंदर कंपनी के जो भी एथिक्स पहले से फॉलो किए जा रहे थे उनको रिव्यू करना, पॉलिसीज को रिव्यू करना, और उसके बाद अगर कुछ हमें चेंजेस चाहिए हमारी पॉलिसीज के अंदर तो उसको रेकमेंड करना कि मतलब ये चेंजेस हमें कंपनी में दोबारा से करने हैं। व्हाइल द एथिक्स कमिटी मे क्रिएट द इनिशियल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू गवर्न कंपनी एथिक्स, इट ऑल्सो रिव्यू दोज पॉलिसी ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब वो क्या है, रेगुलर बेसिस पे चेक करेगी और उसको रिफाइन करेगी कि जब भी वो नेसेसरी हो तो वो तब हम उसके अंदर चेंजेस ला सके। तो ये हमने देखे कि क्या क्या इसके अंदर हमारे रोल होते हैं एथिक्स कमिटी के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म होती है। अगर आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पूरी देखनी हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको इन नोट्स की पीडीएफ फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।